हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली प्राइम में लोन्स की एंट्री आपको कैसे करनी है। लोन कोई भी हो सकता है, कार लोन हो सकता है, हाउसिंग लोन हो सकता है, आपने कोई प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है, आपने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, या फिर आपने कोई बिजनेस लोन लिया हुआ है। सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं, यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कार लोन लिया है, ठीक है। आपने कोई भी लोन लिया है, ट्रीटमेंट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 2022 में आपने एक कार परचेज किया 20 लाख रुपए की फ्रॉम अरुण मोटर्स। उसका डाउन पेमेंट जो है वो आपने 4 लाख रुपए कर दिया और आपने बैंक से लोन ले लिया 16 लाख रुपए का, ठीक है। अभी इसकी ईएमआई स्टार्ट हो गई है, जो कि 32,000 रुपए ईएमआई जा रही है। प्रिंसिपल अमाउंट ये है और ये है इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। और आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है एज ऑन 31 मार्च 15,16,000 रुपए बचा हुआ है। अब इसकी एंट्रीज आपको कैसे करनी है और कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और फटाफट बहुत ही इजी हैं, आपको फटाफट समझ में आ जाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम में हम आ जाएंगे और हम जाएंगे वाउचर्स में और हम यहाँ पे एंट्री बेसिकली स्टार्ट करेंगे। हम पहले करेंगे जर्नल एंट्री, हम एक जर्नल एंट्री मारेंगे। जर्नल एंट्री क्यों मारेंगे, हम पहले रिकॉर्ड करेंगे कि हम कार को परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कार परचेस की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, तो हमारे पास आ रही है, कार अकाउंट डेबिट करेंगे और जिससे हम परचेस करें उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कार, अल्ट सी करके हम लेजर बना लेंगे कार और इसको डालेंगे फिक्स एसेट्स में, ठीक है। इन सब चीज़ों को रहने देते हैं और हम सीधा एंटर देंगे। कितने का कार है, 20 लाख रुपए का। ये 20 लाख रुपए हमने यहाँ पे डाल दिया। किससे परचेस कर रहे, अरुण मोटर से। हम अरुण देखें, हम यहाँ पे बना देते हैं। और ये कौन है, ये मेरे क्रेडिटर है क्योंकि इन्हें मुझे पैसा देना है, तो हम इसको डालेंगे सैलरी क्रेडिटर्स में, ठीक है। एंटर करके कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, ठीक है। और ये एंट्री कभी होगी, दिसंबर को होगी, फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर को हमने एंटर कर दिया, एंटर किया और इसको हमने सेव करा लिया। जैसे हम सेव करा के देखेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में कार आ चुकी है 20 लाख रुपए की, और लाइबिलिटीज़ में, करंट लाइबिलिटीज़ में हम जाएंगे तो सन्डरी क्रेडिटर्स में 20 लाख रुपये का अरुण मोटर्स आ गया, जिनको मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। अभी वापस हम वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाके अभी हम क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्रीज करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे F5 पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम वापस पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे, अरुण मोटर्स को, जो हमने क्या किया था, हमने जो 4 लाख रुपए बेसिकली डाउन पेमेंट किए थे। कैश से आप पेमेंट करेंगे या फिर बैंक से पेमेंट किया होगा, वो आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने पेमेंट किया है बैंक से, तो मैं यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने कैश में पेमेंट किया होगा तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे बैलेंस कम दिखा रहा है, बैंक में इतना बैलेंसेस है नहीं, बट आपके पास अगर बैंक में बैलेंस है तो आप बैंक सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कैश ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है वो आपको एक बार चेक करना होगा कि आप इतना पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अलाउड नहीं है इनकम टैक्स में। हम एंटर करेंगे, चेक और बैंक के डिटेल्स आपको डाल देना है, एंटर करके सेव कर लेना है। अभी सेव कर लिया मतलब हमने डाउन पेमेंट अभी कर दिया है। वापस हम बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाके एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा जो क्रेडिटर है वो कम हो गया होगा, देखिए 16 लाख बचा है। और इसके बाद हमारा फिक्स एसेट तो उतना ही रहेगा, 20 लाख रुपए। अभी वापस हम वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर्स में जाने के बाद हमने क्या किया है, हमने लिया है लोन, तो हम लोन की एंट्री करेंगे। लोन की एंट्री के लिए हमको जर्नल एंट्री वापस से पास करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, लोन लिया है, किससे लिया है, बैंक से लिया है, ठीक है। तो बैंक से लोन लेके दिया किसको है, अरुण मोटर्स को दिया है, और वो बैंक जो है वो डायरेक्टली अरुण मोटर्स को ट्रांसफर कर देती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरुण मोटर्स को डेबिट करेंगे, कितना, 16 लाख रुपए से, सॉरी एक ज्यादा हो गया है, तो इसको सही कर दिया, 16 लाख हो गया, ठीक है। अभी ऑन अकाउंट ही रहने देंगे हम, क्योंकि हमने ऑन अकाउंट ही बनाया हुआ था। अभी क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे बैंक लोन को, तो हम अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे बैंक लोन, जिससे भी आप, जिस बैंक से आपका लोन रहेगा उस बैंक का नाम जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये क्या है, ये मेरा है लोन्स, लोन कौन सा है, सिक्योर्ड लोन है, ठीक है, क्योंकि वो कार पे रहता है, अगर हम लोन रिपेमेंट नहीं करेंगे तो वो कार उठा के लेके चले जाते हैं। तो हम एंटर करेंगे, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे, 16 लाख का हमने बैंक लोन ले लिया, एंटर किया, ये हो गया सेव। अभी अगर आप देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट में जो सन्डरी क्रेडिटर है वो नील हो गया होगा, लाइबिलिटीज में आप देखेंगे सन्डरी क्रेडिटर है ही नहीं, ठीक है, वो चला गया, मतलब नील हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो आपका लोन जो है वो 16 लाख रुपए का स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी ईएमआई स्टार्ट होगी, तो ईएमआई की एंट्री हम डायरेक्ट यहाँ से ही कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अल्ट आई करेंगे, नया वाउचर बना सकते हैं और यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पेमेंट। अब पेमेंट कहाँ से जा रहा है, बैंक से जाता है। नॉर्मली
पेमेंट जो है वो बैंक से जाते हैं, कभी कभी कैश वाला सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका पेमेंट बैंक से जा रहा है तो आपको बैंक का जो पेमेंट है वो हर महीने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पेमेंट गया बैंक से, तो बैंक से पेमेंट जाएगा तो क्या करेंगे, बेसिकली आप करेंगे डेबिट किसको, बैंक लोन को, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। कितना ईएमआई है, हम ईएमआई देख लेते हैं, ईएमआई कितना है 32,000 रुपये, तो हम यहाँ पे करेंगे 32,000 रुपये। और हम यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को करेंगे, क्योंकि कहाँ से जा रहा है पेमेंट, बैंक से जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, ये हो गया बैंक लोन की एंट्री हो गई, बेसिकली बैंक जो रिपेमेंट कर रहा है उसकी एंट्री हो गई। बट यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप सीधा पेमेंट हर महीने रिकॉर्ड कर दीजिए, उसके बाद लास्ट वाले महीने में, मार्च के महीने में एक इंटरेस्ट की एंट्री घुमा के मार दीजिए, आप एक एंट्री कर दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधा 11,000 रुपये का हर महीने इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट था मेरा, जिसमें से प्रिंसिपल अमाउंट गया, तो मेरा अमाउंट कितना बचना चाहिए, 50,79,000। बट अमाउंट बच कितना रहा है, 50,68,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपको एंटर करना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड कर लेना है। आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना पेमेंट कर रहे हैं, 21,000 रुपये, ठीक है। वापस हम डेबिट करेंगे, अब डेबिट करेंगे हम क्या डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कर देंगे, ऑल्ट सी करके क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये कहाँ पे डालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैपिटल में डालेंगे या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। कैपिटल में तब डालेंगे जब आपने उस चीज़ के लिए लोन लिया है जो आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो ये कैपिटल में जाएगा। आपने उस चीज़ के लिए लोन लिया है जो बिजनेस में यूज होता है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कार जो आपने लिया है, अगर आप वो पर्सनल यूज के लिए लिया है आपने, तो ये जाएगा कैपिटल में। बट अगर कार आपने बिजनेस यूज के लिए लिया है, तो ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। आई होप आप समझ गए, हम फिलहाल इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रहे हैं, ये समझ के डाल रहे हैं कि आपने बिजनेस यूज के लिए लिया हुआ है कार। कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। अब कितना है इंटरेस्ट कितना है, 11,000 रुपये, हम यहाँ पे डालेंगे 11,000। हो गया। अभी हम क्रेडिट करेंगे बैंक को कितना, 32,000 रुपये, बरोबर है। एंटर करेंगे, एंटर करके इसको हम कर देंगे सेव। जैसे सेव करेंगे आप देख सकते हैं 50,79,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही हर महीने का हम एंट्री करेंगे। बट अब दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। क्या करना है, सीधा बैंक लोन डालना है 32,000 रुपये, इसको जीरो कर देना है और कंट्रोल ए करके सेव कर देना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हर महीने यही एंट्री करेंगे। एंटर किया, हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट एंट्री कर देंगे, ठीक है। बैंक का जब पेमेंट जाता है तो हम क्या करेंगे, अल्ट टू करेंगे, डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम डेट चेंज कर देंगे, सिंह फॉर एग्जांपल 1 जनवरी कर दिया हमने, कंट्रोल ए करके सेव कर दिया, क्योंकि हर महीने सेम ईएमआई जाता है, तो हम क्या करेंगे, एफ टू करेंगे, 1 फेब कर देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे, वापस अल्ट टू करेंगे और हम उसको डेट करके 1 मार्च कर देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे मैं इसको पूरे साल का ओपन कर दूं, तो 4 एंट्रीज आ गई पेमेंट की, और यहाँ पे भी 4 एंट्रीज है पेमेंट की, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये रहा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। लेकिन मेरा क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं कर रहा, क्लोजिंग बैलेंस 15,16,000 रुपये आने चाहिए, ये आ रहा है 14,72,000। क्या करें, इंटरेस्ट का पोर्शन अभी तक रिकॉर्ड हमने नहीं किया है, तो इंटरेस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे 44,000 का। अब ये एंट्री कैसे करेंगे, हम करेंगे जर्नल एंट्री पास, हम करेंगे अल्ट आई और हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ F7 पे क्लिक किया, ठीक है। अब जर्नल एंट्री क्या पास होगी आपके हिसाब से, क्या पास होनी चाहिए, इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है, जो खर्चा है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, कितना 44,000। और क्रेडिट किसको करेंगे, लोन को करेंगे, लोन, क्योंकि इसकी वजह से मेरा लोन कम हुआ है, एक्चुअली में लोन कम होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे बैंक लोन, एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस जो है 50,60,000 मैच कर रहा है। दो तरीके थे मैंने आपको बता दिए, या तो आप पेमेंट करते वक्त ही इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट एंड में, ईयर के एंड में एक इंटरेस्ट की एंट्री मार दीजिए, जल एंट्री मार दीजिए, तो एट द एंड आपका बैलेंस जो है वो मैच करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इंट्रीज करनी है, ठीक है। ये जो अमाउंट्स लिए हुए हैं आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी आप अगर इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, बोलेंगे इतना ईएमआई नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो मेरा इंटेंशन ये था आपको समझाना इंट्री करते कैसे, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं आपको ईएमआई कैलकुलेट करके बताऊं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक कीजिए, और आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल।